कस्टम इंटेलिजेंस विंग ने करीब 25 करोड़ रुपए की विदेशी हीरोइन का एक बहुत बड़ा जखीरा जब्त किया है। ये 25 करोड़ की हीरोइन सूटकेस के कैविटी में छुपा कर लाई जा रही थी और इसके जो दो तस्कर हैं वो माँ और बेटी हैं जो साउथ अफ्रीका से मुंबई अपने कैंसर का इलाज कराने आ रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के कस्टम इंटेलिजेंस विंग को इसकी एक पुख्ता जानकारी मिली और पता ये चला कि मुंबई में मेडिकल टूरिस्ट वीजा पर आने वाले ये दो विदेशी तस्कर जिसमें माँ और बेटी शामिल हैं, ये फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं और इनके सूटकेस में संदिग्ध जो चीजें हैं वो हैं। इसके बाद इन दोनों की तलाशी ली गई लेकिन दोनों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया और लगातार कस्टम के अधिकारियों का विरोध करते रहे, जिसके बाद कस्टम के अधिकारियों ने इन दोनों के सामानों की चेकिंग की जिसमें ये जो सूटकेस है सूटकेस के अंदर दाहिनी तरफ जो एक कैविटी बनाई गई थी उसमें अलग अलग पांच प्लास्टिक के बड़े बड़े पाउच को इस तरह से छुपाकर रखा गया था जिसमें ये लगे ही नहीं कि वो अलग से ड्रग्स है, ये लगे कि वो सूटकेस का एक हिस्सा है और इसी हिस्से के अंदर हीरोइन 5 किलो के आसपास छुपाकर रखी गई थी, जिसे कस्टम के इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों ने जब्त किया है। मुंबई कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग ने इन मां और बेटी तस्कर से पूछताछ के बाद अब तक 6 ऐसे तस्करों का पता लगाया है जो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और महिलाओं के वेश में ये जो तस्कर यहां पर पहुंचते हैं इन महिलाओं का इसलिए इस्तेमाल करते हैं तस्करी के लिए क्योंकि ये महिलाएं बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं और ये यहां पर इलाज करवाने के बहाने कैंसर या दूसरी बीमारियों का ऑपरेशन करवाने के बहाने आती हैं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाती हैं और बड़ी संख्या में यहां पर ड्रग्स और दूसरे तस्करी के सामान लेकर आती हैं। अब एयर इंटेलिजेंस विंग ये पता लगा रही है कि भारत में और मुंबई में ये किसे सामान देने आ रही थी, ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा किसे देना था और इसका किन किन रेव पार्टीज में इस्तेमाल होना था, कहां पर इसके जो पैडलर्स हैं ड्रग्स के पैडलर्स हैं वो छुपे हुए हैं जिनकी पहचान करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी मदद ली जा रही है, लेकिन एयर इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी लगातार अब इसके भारत के जो लिंक्स हैं उसे तलाशने में जुट गए हैं। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।